पूरे गांव पानी में डूबल रहा था जब बरसात होता तो कहीं रास्ता निकल चारों तरफ से रास्ता बंद बा। हाँ रोड पर बंद रहल बा, गांव में के रास्ता बनते नहीं थे। हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 10 में और वार्ड संख्या 10 के जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है आपके सामने है। ये जो गिट्टी देख रहे हैं हमारे सामने वो व्हाइट गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिक्स बालू जिसमें मिट्टी ही मिट्टी है बालू उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीण करे तो क्या करे, मजबूर है, दर्द किसको बताए ग्रामीण यहाँ का, और यही सच्चाई हम दिखा रहे हैं। तो हसनपुरा नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि हम केस कर दिए हैं, केस करेंगे। अरे उस केस से हम नहीं डरते हैं, सच्चाई दिखाते रहेंगे, आप जितना केस करना है कर दीजिए, केस से बढ़िया है कि आप 5 साल अच्छे से काम करिए कि लोग आपको पूजेगा। ऐसे काम मत कराइए कि लोगों को नुकसान भी हो और कोई फायदा भी ना हो। अपना घर में टाइल्स मार्बल एकदम लगाकर फ्रेश जनप्रतिनिधियों द्वारा, लेकिन ये जब समाज का काम हो तो वहाँ पर मिट्टी के साथ घसीट दीजिए जो भी मिले। ये देखिए ये बालू की मिट्टी है, ये बालू है, 10 नंबर वार्ड में ये काम हो रहा है। देखते बनी सब नहीं, मैंने संतुष्ट नहीं की काम से, संतुष्ट बनी सब, अब जो होता तो काम खराब होता ना, काम ठीक है बात। अधिकारी सबसे क्या मांग करते हैं? हमनी के कुछ ना मांगे सब, हमनी के तो एगो रोड गांव में भइए नहीं के, पूरे गांव पानी में डूबल रहा था जब बरसात होता तो कहीं रास्ता निकल चारों तरफ से रास्ता बंद बा। हाँ रोड पर बन रहल बा, गांव में के रास्ता बनते नहीं थे, पूरे गांव के आदमी परेशान बाड़े। का नाम पड़ी रहो? मुसाफिर। देखते रहे हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। जय हिंद।